तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों रियलमी का कोई सा भी डिवाइस यूज़ करते हैं तो आपको इस वीडियो के साथ टेल रहा बने रहना चाहिए, क्योंकि अगस्त का जो अपडेट है अभी तक रियलमी के डिवाइसेस में पुश नहीं किया गया है। आपको जैसे बताया कि रियलमी यूआई में सिक्योरिटी पैचेस मंथली के बेस पे दिए जाते हैं, और जो ये इनका टाइम पीरियड होता है हर महीने की 20 से 25 के बीच में ये रोल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, और आप तक ये महीने के एंड तक ये पहुंच जाता है। लेकिन इस बार तो मंथ जो मंथ है अगस्त का निकल चुका है, 4 अगस्त, सितंबर भी आ चुका है, मतलब ये अप्रोक्स 15 दिन डिले हो चुका है ये टोटल अपडेट। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल देने वाला, इस वीडियो में जो भी आपके सवाल हैं सब कुछ देने वाला हूँ। मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ है, मैं कोई भी फेक या फिर फेंकता नहीं हूँ, ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल दूंगा, जैसे कि अपडेट डिले क्यों हुआ है, अपडेट कब तक आएगा, अपडेट का नाम क्या होने वाला है, अपडेट का मतलब क्या क्या अपडेट में अपडेट होगा, क्या फिक्स होगा, क्या मतलब सारे मतलब जितने भी आपके डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। चाहे वो आप रियलमी X2 यूज़ करते हो या फिर कोई भी रियलमी डिवाइस, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे पास रियलमी X2 है, तो मैं जो अपडेट लोग बताने वाला हूँ वो रियलमी X2 का ही बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए, अभी सबसे पहले जो आप सब ने मुझसे बार बार कमेंट करके पूछा और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझसे सवाल किया कि ये जो अपडेट है अगस्त का अभी तक आया क्यों नहीं है, इतनी पहली बार इतना ज़्यादा डिले हुआ है रियलमी X2 के लिए, फिर किसी भी रियलमी डिवाइस के लिए अपडेट डिले क्यों हुआ है। तो भाई देखो, इसका जहाँ तक मुझे पता है, आपने नोटिस किया होगा कि जुलाई सिक्योरिटी अपडेट था वो भी बहुत डिले होकर आया था। वो भी लगभग इसी के आसपास था डिले, थोड़ा सा कम था बट डिले था, ठीक है। वो क्यों डिले था, क्योंकि इंडिया में चाइनीज़ ऐप्स बैन थी, प्लस क्लीन मास्टर इंडिया में बैन हो गया था, प्ले स्टोर में बैन हो गया था। उस पहली बार बैन नहीं हुआ था, बट इंडिया में के लोगों को, इंडिया में इंडियंस को क्लीन मास्टर के बारे में पता चला था कि क्लीन मास्टर जो है रियलमी पोको और रेडमी की डिवाइसेस में है। इसी वजह से जब वो उनको हटाने में थोड़ी सी टाइम लगा, मतलब क्या है कि जब कोई अपडेट मेजर आने वाला होता है या फिर कुछ मेजर अपडेट इम्प्रूवमेंट किया जाना होता है या फिर कुछ मेजर इम्प्रूव बग सॉल्व किया जाना होता है, तब ये जो अपडेट है डिले हो जाता है, ठीक है। अभी जहाँ तक मुझे पता है, अभी जो नेक्स्ट अपडेट आएगा, मतलब ये अगस्त का जो सिक्योरिटी पैच है उसमें भी आपको कुछ नया देखने मिलने वाला है, कुछ मेजर अपडेट्स देखने मिलने वाले हैं। जैसे कि जो रियलमी का X2 है चाइना में CDO21 का अपडेट अगस्त का बन के गया है, तो उसके अंदर जो क्लीनर है, ठीक है, पहले तो इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी थी एवेस्ट और क्लीन मास्टर से, 360 से। अभी इन्होंने खुद का क्लीन मास्टर की तरह का क्लीनर एप्लीकेशन इनबिल्ट बनाने की कोशिश की है, और ये चाइना में बनकर गया है। तो उम्मीद है कि ये जो रियलमी X2 है, ये X2 का जो अपडेट है चाइना में जैसे गया CDO21 के, इंडिया में बन के आएगा ये CDO12 या फिर CDO15 बन के, CDO15 बोल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने क्लीनर जो है अपना खुद का इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये काफ़ी मेजर अपडेट है, क्योंकि क्लीनर काफ़ी अभी बनाने में टाइम लगता है, इसका एल्गोरिथम हार्ड होता है और इसको मतलब बैलेंस करने में टाइम लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ यही नहीं और बहुत सारे नए फीचर ऐड किए गए हैं, जैसे कि आप सब ने मुझसे कमेंट करके बोला कि भाई मुझे अगर इसके अंदर रियलमी X2 या फिर रियलमी UI में मुझे OTG ऑन करना होता है तो मुझे कहाँ पे, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, OTG सर्च मारो या फिर डेवलपर मोड में जाओ फिर OTG को ऑन करो। तो यहाँ पर एक इसका फिक्स ये आया है कि टॉगल जो होता है नोटिफिकेशन बार में, जहाँ से आप फ्लैश लाइट ऑन करते हैं या फिर नेट ऑन करते हैं, वहीं पर आपको एक टॉगल मिलेगा जो कि आपको OTG के लिए होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा सही बात है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वाली बात है ना। तो यहाँ पर ये भी आपको ऐड किया गया है, और यहाँ पर आपको जो सुपर सेविंग मोड है, सुपर बैटरी सेविंग मोड है, जैसे आपको पता है रियलमी 7 जो कि 3 तारीख को इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मुझे मेरे ख्याल से 30 डिवाइसेज हैं, क्यों है आपको जानना है तो मैं वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। प्राइस के हिसाब से अभी तो मैं कुछ बताऊँगा नहीं, बट कल वीडियो जब भी आएगी नेक्स्ट वीडियो आपको रियलमी 7 के बारे में अपने व्यूज बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है मतलब सुपर सेविंग मोड आपको देखने मिलने वाला है रियलमी X2 में और रियलमी डिवाइसेस में। सुपर सेविंग मोड क्या होगा आपको पता ही है कि नहीं पता, मैं बता देता हूँ। सुपर सेविंग मोड होता है कि आपको जो भी ऐप्स यूज़ करना है उनको आप स्पेसिफिकली सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर कॉन्टैक्ट या फिर फ़ोन जो भी सेलेक्ट करने हैं उनको ग्रुप वाइज सेलेक्ट कर लीजिए, उनको इनेबल कर रखेंगे उस ग्रुप में करेंगे, तो सुपर सेविंग मोड जैसे ऑन करेंगे तो वो सारे ऐप्स ही ऑन होंगे और सारे जो ऐप्स रहेंगे वो
डिलीट रहेंगे, मतलब वो रन नहीं करेंगे, बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस उनका नहीं होगा जिससे कि बैटरी सेव होगी। ये इनको बोल रहा है, ये रियलमी बोल रहे हैं सुपर सेविंग मोड, ये काफ़ी सही बात है। परसेंटेज जो है इनका, जो बैटरी का परसेंटेज है, इनमें थोड़ा सा कुछ नया मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है और मिलने वाला ही है, ठीक है। मैं बस सकता ही बोल सकता हूँ क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये चाइनीज़ है, और यहाँ पर चाइनीज़ अपडेट लॉग इंडिया से 80 से 85% तक सेम रहता है, बट यहाँ पर जैसे मैंने बताया 20 से 15% ये सेम नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ के जो रूल्स हैं, वहाँ के जो रेगुलेशंस हैं, कर्नल्स हैं, वो थोड़ा सा सेम नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे कि वी चैट चाइना में ऐड किया गया है, लेकिन इंडिया में तो वी चैट बैन है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर और क्या आपको नए इसमें देखने मिलने वाला है जो कि इंटरेस्टिंग आपको लग सकता है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इसका वेट हो सकता है शायद। डीसी डिमिंग आपको जैसे पता है इसकी डिस्प्ले को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए होता है, तो डीसी डिमिंग आपको रियलमी के डिवाइसेस में, रियलमी X2 में तो पक्का मिलने वाला है, पता नहीं कौन कौन से डिवाइसेस में मिलेगा, बट जैसे आपको पता है कि स्मूथ स्लाइडिंग जो है इंडिया के रियलमी X2 में पिछले महीने मिला था, तो इस बार आपको एक और नया अपडेट मिलेगा डिस्प्ले की रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ एक और नया अपडेट यहाँ पर मिलेगा कि आपको जो फोकस मोड है उसमें कुछ नया इंप्रूवमेंट मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो यूज़र एड का जो तरीका है, या फिर आप बोल लीजिए गेस्ट मोड में जाने का तरीका है, उसको यहाँ पर आपको थोड़ा इम्प्रूव मिलेगा, और आप जो गेस्ट मोड में आप स्विच कर सकते हैं, आपका अगर फ़ोन लॉक है तब भी आप इसमें स्विच कर सकते हैं, मतलब लॉक स्क्रीन पे आपको गेस्ट मोड में जाने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि अभी तक नहीं था एंड्रॉयड 1 में। अभी भी नई एप्लीकेशन देखने मिलेगी इस बार, कम्युनिटी ऐप, अगर आपने रियलमी कम्युनिटी ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से तो अभी आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपडेट के साथ आपको मिल जाएगा कम्युनिटी ऐप, ठीक है। मैंने आपको बता दिया रियलमी बीटा या फिर रियलमी लैब के अंदर डीसी डिमिंग का एप्लीकेशन देखने मिलेगा, ऐप नहीं सॉरी फंक्शन देखने मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या क्या फिक्स किए गए हैं या फिर बग फिक्स क्या क्या की गई हैं। यहाँ पर बग फिक्स में आपको देखिए आपको जितने भी बग्स थे नॉर्मली वो सारे फिक्स किए गए हैं, चाहे वो कैमरे से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो डिस्प्ले से जुड़ा हुआ हो, या फिर चार्जिंग एनिमेशन से जुड़ा हुआ हो। कैमरे में जो जिटर हो रहा था उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो स्क्रीन में लॉक स्क्रीन में दिक्कत हो रही थी और जो रिसेंट ऐप में दिक्कत थी वो सारी फिक्स की गई हैं, मतलब फिक्सिंग में यहाँ पर कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। अभी इसके अंदर बग क्या क्या हो सकते हैं या तो आने के बाद पता चलेगा, बट अभी मेरा खुद का ओपिनियन जानना आपको ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो अपडेट है मेरा खुद का माइंड क्या कहता है जानना ज़रूरी है। देखिए इसमें मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है अपडेट, पहला तो इसके अंदर आपको जो क्लीनर देखने मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, दूसरा यहाँ पर आपको जो सुपर सेविंग मोड देखने मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब रियलमी या फिर कोई भी जो OS है या फिर UI है उसमें कोई भी सिस्टम में कोई भी फंक्शन को जब टच किया जाता है, छेड़ा जाता है, कुछ नया ट्राई करते हैं वो, तो या तो उसकी वो पूरा एंटायर बहुत अच्छा, मतलब वो पूरा सिस्टम वो फिर पूरा फंक्शन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर नहीं परफॉर्म करेगा, मतलब बैटरी इस अपडेट से हो सकता है आपकी बहुत अच्छे परफॉर्म करने लग जाए, बैटरी मतलब बैटरी का जो बैकअप है बढ़ जाए, या फिर चांसेस है घट जाए, या फिर आपका जो है एक्सपीरियंस ख़राब मतलब वॉस्ट भी हो सकता है, जो भी है आने के बाद पता चलेगा, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट है ये भी फीचर, और जो OTG का लगाया गया है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो OTG का जो ऑप्शन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर जो नए फिक्सेस हैं, जैसे कि कैमरा का फिक्स और जो कैमरे के साथ आपको जो डार्क मोड का फिक्स किया गया है इस बार, ठीक है, और जो रिसेंट ऐप का फिक्स है वो भी किया गया है, और यहाँ पर डीसी डिमिंग भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो तो देखने के बाद पता चलेगा कि क्या ये एक्चुअली में फंक्शन क्या करता है ये, ठीक है। तो ये सारे जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं अपडेट लॉग क्या है, और अब बात करते हैं आपको कब देखने को मिलेगा। जहाँ तक मेरे दोस्त हैं कि यूज़र हैं रियलमी के ही, उन्होंने बात किया है रियलमी के जो कस्टमर केयर हैं, तो उन्होंने उनसे जानने की कोशिश की कि ये इंडिया में कब तक रोल आउट होगा और कब तक शुरू हो जाएगा। तो देखिए 1 से 3 दिनों के अंदर आपको रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, स्क्रीनशॉट देखने को मिलने लग जाएंगे, इंडिया में क्या बन के आएगा, ना बन के आएगा, C.12 बन के आएगा, C.15 बन के आएगा, कंफर्म हो जाएगा 1 से 3 दिनों के अंदर। और आपको ये कब तक मिलेगा, देखिए 7 से 10 से 12 दिन, मतलब 2 वीक्स आप मैक्सिमम लेकर चलिए, बट मिनिमम आप 7 दिन लेकर चलिए, तो आपको ये इतने जल्दी देखने मिल जाएगा। आपको जैसे पता है कि कोई भी अपडेट जब रोल आउट होता है तो सबसे पहले 10-15% यूज़र्स को ही दिया जाता है, उसके बाद 50%, उसके बाद 90, फिर 10, ठीक है। तो यही एक तरीका था
इसको रोल आउट करने का, और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की है। फिर भी कोई दिक्कत आपको है या फिर कोई भी आपको अभी रह रहा है, क्वेरी आपकी रह रही है, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो करके पूछ सकते हैं, जिसका रिस्पॉन्स रेट कमेंट से काफ़ी ज़्यादा है। यही था वीडियो में, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ थोड़े साथ अपने खाली भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बताना भूल गया था। बाय।